इत और ललिता उत और विशाखा, 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 हो झूले अलवेली सरकार, झूले रानी राधिका जी, झूले अलवेली सरकार, नित्य वृंदावन धाम में सावन आता है तब झूला नहीं पड़ता, जब प्रिया जी की झूलने की इच्छा होती है तब सावन आता है। फागुन का महीना आए और युगल होली खेले ऐसा नहीं, जब युगल के मन में इच्छा हुई है एक दूसरे को परस्पर प्रेम रंग में रंग देने की, तब इस फागुन का आनंद प्रकट होता है, बासंती बयार चलती है और वृंदावन की तरु लताएं थिरकती हैं बसंत राग की रागिनियों पे, और तब सहचरियां गाती हैं, ओ मेरे राधा वल्लभ लाल खेले रंग होली, मेरे राधा वल्लभ लाल मेरे राधा वल्लभ लाल खेले रंग होली, रंग होली रे गुलाल होली, रंग होली रे गुलाल होली, ओ रंग होरी रे गुलाल होरी, कभी फूलों के बंगले, कभी सावन के झूले, कभी फूलों के बंगले, कभी मलहार सुनो तुम कभी सुनते हो डोले, कभी मलहार सुनो तुम प्रकार नित्य उत्सव उल्लास आनंद उमंग की तरंग, आनंद रंग को और न छोर, जय 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 श्री निंदा, प्रेम की नदी वह चहोर, थोड़ा सा सरस हृदय लेकर जाएंगे वृंदावन में तो अनुभव होगा किस प्रकार प्रेम रसिक हृदय से उच्छलित होता हुआ चहुं ओर प्रवाहित होता है। नैनों में प्रेमाश्रु लिए सात्विक भाव देह में प्रकट होते हों
और घंटों एक टक खड़े राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा रमण की बांकी झांकी निहारते, ललित छवि निहारते, रसिक जिस देश में बसते हैं वहीं तो इस प्रेम की नदी प्रवाहित होती है। और जब संसार का मैला कुचैला जीव जाता है वहां, तो छींटा पड़ जाता है रसिकों के इस प्रेम का, इस प्रेम के प्रवाह का। और एक छींट पर्याप्त है। पारस ये नहीं देखता कि ये लोहा मंदिर से आया है या कसाई के घर से। ये दुविधा पारस नहीं जानत और कंचन करत खरो। ऐसे ही उन रसिकों के उस दिव्य प्रेम का छींटा पड़ता है और वृंदावन सरस लगने लगता है, वृंदावन मधुर लगने लगता है। हमारे बाबा तो कहते थे, बोले वृंदावन का चस्का लगता है, कुछ कुछ दिन में आकर्षित करेगा वृंदावन फिर आपको, आप घर संसार में कहीं भी रह जाइए। और फिर वैसे भी संसार में जहां रहिए जैसे रहिए, अगर मन पड़ा है राधा वल्लभ लाल के चरणों में, अगर मन चिंतन कर रहा है वृंदावन की उन कुंज वीथियों का, अगर मन स्मरण कर रहा है वृंदावन की उन तरु लताओं का, अगर मन भजन कर रहा है यमुना के उस कूल का, तो फिर आप जहां हैं आप वृंदावन में ही हैं। इसीलिए तो रसिक लोग अपने मन से कहते हैं, मन चल वृंदावन चल वे मना, एथे ओ नजारा नहीं मिलना। हुमन चल वृंदावन चल वे मना, एथे ओ नजारा नहीं मिलना। हो दुर्लभ पिए प्यारी को धाम, जय 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 श्री वृंदावन। और क्यों दुर्लभ है वृंदावन? क्योंकि यहां फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे वहां। वृंदावन में आप अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर भी जाइए तो भी वहां की बयार में भगवान नाम है। जहां बयार बहती है, आप किसी भी गली कूचे में वृंदावन के चले जाइए, आपको कहीं ना कहीं से भागवत का श्लोक कान में पड़ ही जाएगा। जहां यत्र तत्र डोलते आपको राधे राधे कहते ही मिल जाएंगे। तो यहां फिरे स्वार्थ आपने, यहां कोई अपने स्वार्थ से डोले तो बोले भजन उसे पकड़ लेता है, भजन उसकी बांह पकड़ लेता है। इसीलिए व्यास जी ने कहा, हरि हम कब हैं ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमरे और ठकुराइन राधासी। 52 राजाओं के गुरु हैं व्यास जी, ओरछा नगर के राजा के राजगुरु हरिराम व्यास 52 राजाओं के गुरु थे और उनके जैसा दूसरा पंडित संसार में कोई नहीं था, अवतारी महापुरुष। लेकिन जब वृंदावन की माधुरी ने स्पर्श किया, जब वृंदावन के भाव का चिंतन किया, मनन किया, रसिकों की कृपा से आस्वादन किया, तब कहने लगे कि अब मैं वृंदावन धन पायो। बोले सोवत हो तो विषय मंदिर में, राजगुरु के पद पर अभिषिक्त आसीन, बड़े बड़े राजा हमारे चरण कमलों में पड़ते हैं, बड़े बड़े पंडित हमारे सन्मुख देखने का साहस तक नहीं करते, ऐसा अतुल विपुल बल ऐश्वर्य बुद्धि का पराक्रम। बोले लेकिन सब नीरस, सब फीका। बोले अब मैं वृंदावन धन पायो, जिसे वस्तुतः धन कहा जाता है। धन जब जीवन में आता है तो आप तथाकथित समृद्धि प्राप्त करते हैं ना, मन जो आपको समृद्ध कर दे। संसार का धन वस्तुतः संतुष्टि समृद्धि दे नहीं सकता, लेकिन छाया तो पड़ती है जीवन में। ऐसे ही भाव का धन आपको भीतर से समृद्ध कर देता है। जैसे जैसे भाव प्रगाढ़ होगा, एक विशिष्ट से प्रकार की तृप्ति लाभ करता है जीव, एक विशेष सा संतोष अनुभव होता है, एक अद्भुत सा सुख अनुभव होता है।
जैसे ही भाव, जैसे ही भक्ति अपने शुद्ध सत्व में स्थिर हो जाती है, जीव गा उठता है। गाया गाया हरि गुण गाया, 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 गाया गाया हरि गुण गाया। काल व्याल सौबाची मायरी श्याम बिना जग खारो लागत, 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 जगरी बाता काचे मायरी प्रगट जगत में जगमगे। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, बोले देखो प्रगट जगत में जगमगा रहा है ये वृंदावन, में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, पर नैन अछत दीसत नहीं ये माया को रूप। एक व्यक्ति पूछे, बोले आप वृंदावन की जितनी महिमा कहते हैं, बोले कभी किसी ने देखी है, अनुभव की है? कैसी कहानी है, किसी सुंदर सुंदर बात बना के बोलते हैं आप? बोले हमको तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। अरे जाओ देखो, नाली दिखती है, सुअर डोल रहे हैं यहां तक, लूट मची है रुपए पैसे की, हमको तो ऐसा वृंदावन दिखाई पड़ता है। अब संसार के सारे उल्लू और चमगादड़ मिलके बिल पास कर दें कि सूर्य होता ही नहीं है, तो क्या नहीं होता? सूर्य तो है, लेकिन जो बोल रहा है सूर्य नहीं होता वो कौन है? उल्लू है। तो नैन अछत दीसत नहीं ये माया को रूप। जब वृंदावन की रज कृपा करती है, यमुना रस रानी कृपा करती हैं, वृंदावन धाम कृपा करता है, वृंदावन के तरु लता, वृंदावन के शुक पिक, वृंदावन के मृग मयूर कृपा करते हैं। प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब यारस को किनका पाऊं। जब प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग में रंगे ये सहचरियां कृपा करती हैं, तब मन जानता है कि दुर्लभ पिए प्यारी को धाम। जय 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 श्री वृंदावन। चहूं दिस गूंजत राधा नाम, जय 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 श्री वृंदावन। नैनन निरखिए श्यामा श्याम, जय 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 श्री वृंदावन। अन्यत्र भगवान की भावना है, वृंदावन से अन्यत्र जहां जहां भगवत स्वरूप प्रतिष्ठित है वहां भगवान की भावना है। वृंदावन में भावना नहीं है, वृंदावन में तो भावना प्रत्यक्ष हुई है, वृंदावन में भावना ही मूर्तिमान हुई है। आज भी वृंदावन के संत आपको यह कहते नहीं मिलेंगे कि चलो मंदिर में दर्शन कराएं, सो कहेंगे चलो बिहारी जी से मिलके आते हैं।
चलो बिहारी जी से मिलके आए, बिहारी जी की मंगला करी आए, बिहारी जी को शयन कराया है। हमारे ग्वारिया बाबा थे, उनका नित्य का नियम था कि बिहारी जी की शयन आरती कराकर ही जाते थे, बिहारी जी को लोरी सुना के जाते थे, सुला के जाते थे, पढ़ा के जाते थे बिहारी जी को, बिहारी जी को अपना सखा मानते थे, उसी रूप में ध्याते थे, भाव उनका सिद्ध था। एक बार शयन आरती के समय जा रहे थे तो बाहर लड्डू बन रहे थे, खुशबू आई, और भक्त का हृदय कैसा होता है, जहां कोई उत्तम वस्तु देखे कि वस्तु किसी प्रकार मेरे प्रियतम के सुख का कारण बने, दुकान वाले से चार लड्डू ले लिए। ब्रजवासी था, जानता था बाबा का बड़ा आदर करता था, बाबा तो फक्कड़ फकीर थे, दोना में चार लड्डू लिए, भीतर गए तो श्री बिहारी जी का भोग जा चुका था, तो बाबा मंदिर के कोने में अपनी फटी काली कमली बिछाए और चार दोना लड्डू धर के उसमें बैठ गए। आरती का समय हो गया, भोग उसारने का समय हो गया, और गोस्वामी लोग प्रयास कर करके थक गए, हार गए, लेकिन बिहारी जी का द्वार नहीं खुला। भीड़ बढ़ती जा रही है, आरती का समय बीता जा रहा है। एक संत ने कहा, बोले वो ग्वारिया बैठो है, बातें जाके पूछो कि द्वार क्यों ना खुल लो। गोसाई जी गए, बोले बाबा बिहारी जी को पटना है, खुल लो आज। बाबा अपने भाव में बैठे थे, देखा गोसाई जी की ओर, बोले अरे जे जे जाओ अब खुल जाएगो। गोस्वामी जी गए, द्वार का स्पर्श किया, द्वार खुल गया, बिहारी जी की आरती हो गई, बिहारी जी को शयन करा दिया गया। लेकिन गोस्वामी जी के मन में आज ये बात खटक रही थी कि क्या हुआ, इतना प्रयास किया और द्वार नहीं खुला। और यहां ग्वारिया बाबा ने एक बार कहा कि जाओ खोलो द्वार खुल जाएगा, पकड़ लिए ग्वारिया बाबा को, बोले बाबा तो तेरे यार की सौगंध है, सांची सांची बात कह दे कि आज कहा लीला करी तेरे यार ने। पहले तो बाबा ने टाल मटोल करने का प्रयास किया, फिर कहने लगे, जय जय आप जाए भोग लगाए रहे थे ना, वो तो मेरे पास में बैठा लड्डू खाए रहा था। बोले सो तो मेरे पास में बैठा लड्डू पाए रहा था, और आपने आए के बीच में उठाए दियो, मैंने वहां को मुख भी ना पहुंचो, जाके ठाकुर जी को मुख तो पहुंच दियो, झूठे मुंह ठाकुर जी शयन कैसे करेंगे। गोसाई जी स्नान किए, पुनः मंदिर में गए, बिहारी जी को शयन करा दिया था, लेकिन जब बिहारी जी के शैया के निकट जाकर दर्शन किए बिहारी जी का, तो बिहारी जी के मुख पे अभी भी लड्डू की जूठन लगी थी। तो जहां भावना नहीं है, जहां प्रभु प्रत्यक्ष हैं, हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज सुनाया करते थे, और यह घटना तो गीता प्रेस के कल्याण के किसी अंक में छपी, बिहारी जी के मंदिर के बाहर भिक्षुक लोग बैठे रहते हैं कि दाता के नाम पे दे और ये और वो। एक साधु जा रहे थे, दया आ गई देखकर, एक अंधा भिखारी बैठा था, बोले अरे तीनों लोगों के दाता के द्वार पे बैठकर भी देखो जीव मांगता संसार से ही है, भाग्य देखो जीव का कि तीनों लोगों के दाता को तो पीठ किए बैठा है और संसार की ओर हाथ पसारे बैठा है। ठाकुर जी की ओर पीठ करोगे तो संसार के आगे हाथ फैलाना ही पड़ेगा। हमारे भोले बाबा, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जान। गुरु वो नहीं जो केवल यहां गद्दी में बैठकर उपदेश करे, गुरु जिसकी एक एक क्रिया उपदेश हो, उसका सोना जगना उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना, जो सब अपने आप में उपदेश हो, जो धर्म से युक्त हो, वही गुरु है। तो जब ब्याह करने चले माता पार्वती के संग, तो शंकर जी की बारात का वर्णन तो आपने सुना ही होगा, ऐसी बारात ना भूतो ना भविष्यति, बैल पर तो दूल्हा बैठा है, और वो भी कैसा बैठा है, उल्टा बैठा है। तो नारद जी बोले, बोले पहले ही आपकी बारात बड़ी सुंदर है,
देखने वाले देख देख के मगन हो रहे हैं। बोली पहली बारात बड़ी सुंदर है, बैल पर बैठे तो आप जा रहे हैं और उल्टे बैठे जा रहे हैं। तो शंकर जी क्या उत्तर दिए नारद जी से, बोले ऐसा संबंध बनाऊं संसार से कि प्रभु को पीठ देनी पड़े, देखो पीछे पीछे नारायण चलते हैं, ऐसा संसार का संबंध बांधने जाऊं कि ठाकुर जी को पीठ देकर जाऊं। बोले मुख तो ठाकुर जी की ओर ही रहेगा, संसार की ओर ही पीठ रहेगी। ठाकुर जी को पीठ दोगे, ठाकुर जी से विमुख हो जाओगे तो सदा सदा संसार से मांगना पड़ेगा। ये कामनाएं और वासनाएं सदा के लिए भिक्षुक बनाए रखेंगी इस दो कौड़ी के संसार का। और सदगुरु की कृपा से, सत्संग की कृपा से सन्मुख हो जाओगे। सन्मुख होइ जीव मोहि जबही, जन्म कोटि अघनासे तब। यह लब्धवापमान तृप्तो भवति अमृतो भवति सिद्धो भवति, जाही लहे कछु लैन की चाह नहीं अवे होए। तो एक अंधा भिखारी जाते जाते साधु की बात सुन ली, अच्छा मनस से एकम वचस से एकम कर्मण्य एकम, साधु जो मन से वचन से कर्म से एक हो सो साधु। और साधु बोले सहज सुभाए, और साधु का कहा वृथा नहीं जाए। साधु ने सहज में कह दिया, उस अंधे भिखारी के मन पे बात लग गई। बोले बात तो बिल्कुल ठीक कहता है, हम तीनों लोगों को देने वाले के द्वार पे बैठ के संसार से मांगते हैं। उठ गया, हाथ में वो टूटा फूटा कटोरा दिखाई पड़ता नहीं था, लाठी टेकते टेकते किसी प्रकार बिहारी जी की चौखट तक जा पहुंचा। बोले प्रभु आज तक संसार से मांगा है, आज ये भिक्षुक पहली बार आपसे मांगने के लिए आया है। अपना वो टूटा फूटा कटोरा चौखट पे आगे कर दिया, टक की आवाज आई, कटोरा वापस खींच लिया। पीछे एक व्यक्ति खड़ा ये सब घटना देख रहा था, हाथ में कुछ पड़ा उठाकर माथे से लगाया, अंधा भिखारी बाहर हो गया। और जो व्यक्ति ये घटना देख रहा था वो उस भिखारी के पीछे पीछे बाहर हो गया। तो वहीं पीछे काली देह पर जहां जमुना जी के किनारे छतरी में जानवर लोग पड़े रहते हैं, वहीं उसकी फटी दरी और बिछौना रखा था, वहां पर आकर क्या देखा, वो जो सिक्का जो बिहारी जी की मंदिर से उस कटोरे में गिरा था, स्वर्ण की मुद्रा थी, श्री बिहारी जी का सुंदर चित्र अंकित था, बिहारी जी का दर्शन करते ही नेत्रों में ज्योति आ गई, श्री यमुना जी के तट पर गया, पल्ली पार उतर गया बेलवन की ओर, और इस प्रकार गया जिस प्रकार यमुना जी के जल पे चल के जाता हो, और उस दिन के बाद से आज तक उस भिखारी को पुनः किसी ने नहीं देखा। जिस व्यक्ति ने इस घटना को देखा, और मैं कोई आपको त्रेता द्वापर की घटना नहीं सुना रहा, मुझे अंक की संख्या तो ज्ञात नहीं, लेकिन गीता प्रेस के कल्याण के किसी अंक में यह घटना छपाई उस व्यक्ति ने जिसने प्रत्यक्ष इस घटना का दर्शन किया। आपकी पात्रता कैसी है इस बात पर निर्भर करती है आपकी प्राप्ति। आप वृंदावन में तीर्थ बुद्धि करके जाएंगे तो पुण्य प्रसाद लेकर आ जाएंगे, पर वृंदावन में ठाकुर जी की भावना नहीं है। होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्श श्याम श्यामा के, उस वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। जहां कीरत सुता के पग पग पे प्रयागराज, कीरत सुता के पग पग पे प्रयागराज, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी, यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, यहां वहां पड़े हैं अयोध्या के वासी, गोपियों के द्वार द्वार
हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदार जहां फिरत दास दासी, स्वर्ग अपवर्ग सुख ले के करेंगे कहां, जानते नहीं हो हम वृंदावनवासी। ऐसा दुर्लभ पिए प्यारी को धाम, जय 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 श्री चहुं दिस गूंजत राधा नाम, जय जय नैनन निरखिय श्यामा श्याम, जय 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 श्री वृंदावन। मनुआलित परम विश्राम, जय 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 श्री वृंदावन। और कैसा परम विश्राम, युगल की छवि का दर्शन करके मोतिन माल बनी नटके, लटकी लटता लट घू घरवारी, अंग ही अंग जड़ाव लसे, शीस लसे पगिया जर तारी, पूरन पुण्यन ते रस खान जी, मोहनी मूरत आए निहारी, चारों दिशान किले छवियान के, झांके झरोखे में कुंज बिहारी। रस खान कह रहे पुण्य पूरे हो गए, पूरन पुण्यन ते रस खान जी, मोहनी मूरत आए निहारी। जिसका एक बार दर्शन किया और बस, मनमोहन ने मन हरण कर लिया। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, व्रजे वसंतम नवनीत चोरम, व्रजे वसंत। श्री ठाकुर जी का एक नाम क्या है, चित्त चोर। शठेन केनापि वयम हठेन, दासी कृता गोप वधु विटेन। बोले कोई ऐसा है यहां जो हट से अपने चरणों का दास बना लेता है। कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरन बस जान हाथ से धोना है। बजाए गयोरी बजाए गयोरी बजाए गयोरी बजाए गयोरी, मोरे अंगना में मुरली बजाए गयो, चुराए गयोरी चुराए गयोरी चुराए गयोरी चुराए गयोरी चुराए गयोरी चुराए गयोरी चुराए गयोरी, मन राधा रमण लाल चुराए गयोरी, मन राधा रमण लाल चुराए गयोरी, तेरी चुराए गयो चुराए गयो चुराए गयो चुराए गयो चुराए गयो, मन राधा रमण लाल चुराए गयो, राधा रमण लाल
सेवा रहूं तो रंगना करूं तेरी सेवा मोरी बैया पकड़ के लगाए गयो रे मोरी बैया पकड़ के लगाए गयो रे मन राधा रमण लाल चुराए कहा कि नैनन निरखिए श्यामा श्याम, बोले वहां दर्शन केवल भाव का दर्शन नहीं है, इन्हीं नैनन सब सुख देखे। तेरे संग मेरा राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग मेरा राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग मेरा राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। इन युगल चरण पे मैं जाऊं, इन युगल चरण पे एक बार श्री सूरदास जी किसी भाव में निमग्न बैठे थे गिरिराज जी की तरहेटी में किसी सघन लता कुंज में, प्रिया प्रीतम भ्रमण करते उस ओर से निकल के जा रहे थे। श्री ठाकुर जी के मन में आया कि सूरदास जी को जन्म भर हुआ हमें सुख देते, हमारी लीला का गान करते, आज बाबा को दर्शन देना चाहिए। ब्रज की सीमा में श्री कृष्ण की कृपा अधीन है श्री राधा के, जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सिर ताज। तो ठाकुर जी स्वतंत्र तो थे नहीं दर्शन देने में, मतलब किसी प्रकार श्री जी कृपा करें तो सूरदास जी को दर्शन हो जाए। तो बिल्कुल सूरदास जी के निकट से होकर जब जाने लगे युगल सरकार, तो श्री ठाकुर जी बोल पड़े, बोले प्यारी जू या बाबा के बहुत निकट मत जाओ, ये आपको चरण पकड़ लेगो। सूरदास जी तो कुछ जानते नहीं, वो तो अपने भाव रस में निमग्न। ठाकुर जी ने कहकर संकेत कर दिया सूरदास जी को, बोले प्यारी जू या बाबा के निकट मत जाइयो, ये बाबा बहुत चतुर है, आपको चरण पकड़ लेगो। सूरदास जी झट ठाकुर जी का स्वर सुना और चेत गए, अपने प्राण धन के श्री चरणों की मन ही मन बलिहारी लेते हुए, अरे प्यारी जू मैं आपते कह रहा हूं, आप तो चलते चलते बहुत ही निकट पहुंच गई या बाबा के, अब तो ये बाबा चरण पकड़ ही लेगो। श्री प्रिया जी मन में विचार कर रही है कि आज कैसा कौतुक कर रहे हैं, आप तो मेरी बात माने ही ना रही, मैं आपसे सांची कह रहा हूं कि जहां आपको दायों पग परे हुए वाके निकट ही बाबा बैठे हुए, बस ये पकड़ लेगो। श्री सूरदास जी झट समझ गए कि श्री प्रिया जी का चरण कमल मेरे दाएं हाथ के सर्वथा निकट है। झट से सूरदास जी ने जब चरण पकड़ने का प्रयास किया, श्री प्रिया जी ने एकदम से जब पांव झटका चरण कमल हटाया, तो श्री प्रिया जी के हाथ का बंधा नूपुर सूरदास जी के हाथ में आ गया।
तो श्री जी ने कहा, बोले बाबा मेरा नूपुर मोए दे दे। अरे लाली मोए का पता तेरो नूपुर है? काऊ और को नूपुर भयो तो मैं तो झंझट में फंस जाऊंगा। तो बाबा कैसे बात बनेगी, मेरे नित्य रास को समय है रहे हुए और मेरो नूपुर मोए लौटाए दे। तो लाली अब तो या को एक ही उपाय है, या कि जोड़ी को दूसरो नूपुर देख ले तो नूपुर लौटाए दूंगा। भक्त बड़ा चतुर होता है, एक ही बात में सूरदास जी ने दोनों बात कह दी कि देख भी लू, बोली या की जोड़ी को दूसरो नूपुर देख ले तो लौटाए दूंगा। श्री प्रिया जी ने कर कमल स्पर्श कर दिया सूरदास जी के नेत्रों पर और सन्मुख बनी राधा मोहन जू की जोड़ी, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर, शात कुंभ तन गोरी जो, बनी राधा मोहन झुकी जो। श्याम रंग श्यामा रंगी और श्यामा के रंग श्याम, एक प्राण तन मन सहज कहवे को द्वै नाम। सूरदास जी निहाल हो गए, धन्य हो गए। चिप्रिया जी ने कहा अपना वाम चरण कमल आगे क्या, बोले बाबा देख ले। श्री प्रिया जी के श्री चरणारविंद का दर्शन करते ही श्री सूरदास जी के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का प्रवाह प्रवाहित हो चला, चरण धो दिए श्री प्रिया जी के। आज ये दुर्लभ सुलभ हो गया है, जिन चरणों की छटा निरखने के लिए श्री ठाकुर जी को भी आज्ञा लेनी पड़ती है, आज वो चरण युगल सूरदास जी के सन्मुख हैं। निहाल हो गए, धन्य हो गए सूरदास जी। बोले स्वामिनी जू, आपने मुझ पे इतनी कृपा कर दी है, या चरणन को दर्शन मुए भयो है तो या को कोई प्रसाद ना मिलेगो? बोली बाबा कहा चाहे, बस ऐसी इच्छा है कि मैं अपने हाथन ते आपके चरण में ये नूपुर पधराए देऊं। सूरदास जी ने अपने हाथ से श्री जी के चरणों में नूपुर धारण कराया। श्री ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते सूरदास जी की ओर देख रहे हैं, बोले बाबा